नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और सीबीएसई बोर्ड की सभी बोर्ड की तैयारी मैंने शुरू कर दी है चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर जो मैंने लिया है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया है। आप ये सोच सकते हैं कि पहला चैप्टर आपने रियल नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो वेटेज ज्यादा के क्वेश्चन चैप्टर है उन्हें पहले लिया जाए, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है उन्हें पहले लिया जाए, जो टू द पॉइंट चैप्टर है उन्हें पहले लिया जाए। तो मैंने पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया है, दूसरा प्रोबेबिलिटी लूंगा, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा, फिर एपी लूंगा। तो इस तरीके से मेरा सीक्वेंस होगा, आपको करने में मजा आएगा ये निश्चित है। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और आप लगातार मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं 15 के 15 चैप्टर के और बाकी भी जो दूसरे बोर्ड है उनके भी सभी चैप्टर्स के वीडियो और सभी क्वेश्चन मैं यहां पे लेके आने वाला हूं। अभी इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं कि एमसीक्यू जो टाइप के क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, आपको डिस्टेंस बताना है ए और बी के लिए। ये बी पॉइंट आप मान लो, और अगर उसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, सॉरी डिस्टेंस नहीं बताना, अगर उसकी डिस्टेंस 5 यूनिट दी हुई है तो के की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए बी की वैल्यू आप 5 के इक्वल कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे यहां पर 5 हो जाएगा, तो के की जो वैल्यू है वो ±4 हो जाएगी। आंसर लिखने का बहुत सिंपल तरीका है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का ए पार्ट सही है और ए पार्ट में ±4 है, सीधा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में है नंबर ऑफ पॉइंट आपको बताना है एक्स एक्सिस पर, जो सी डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस से और सी की वैल्यू 3 से कम है, और पॉइंट है हमारा 2,3, तो इसका जो आंसर है वो नन होगा। और नन क्यों होगा ये आप अच्छे तरीके से समझ लो। नन इसलिए होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये था हमारा 2,3, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, और हमें एक पॉइंट वो पॉइंट बताने हैं एक्स एक्सिस पर जिनकी वैल्यू 3 से कम हो, यानी कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है ही नहीं, वो एक्स एक्सिस से पहले होंगे कहीं भी, तो इसका मतलब है कि ना ना इसका आंसर होगा। जल्दबाजी में कई बारी बहुत सारे बच्चों से इन्फिनिटी लग जाता है जब भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन में होता है, तो ध्यान रखना है कंफ्यूजन का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखना है कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है आप सोच के देखिए, सीबीएसई बोर्ड में 48 क्वेश्चंस में से 1 और 2 मार्क के आने वाले हैं। ठीक है ना, बल्कि 32 क्वेश्चन 1 मार्क के आने वाले हैं और 6 क्वेश्चन 2 मार्क के आने वाले हैं, तो उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन समझिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन समझिए, इजी क्वेश्चन उन्हें मत समझिए, क्योंकि उनमें लॉजिक होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली जाएगी। बड़े क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज जनरली नहीं बदलता है, और इस साल तो बिल्कुल नहीं बदलने वाला है जैसा मुझे लगता है, और आपको भी ऐसा लगता होगा। यहाँ पर देखें, ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं और उसका जो सेंट्रोइड है वो ओरिजन पर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? तो जनरली बच्चों को ऐसा लगता है 0 होगी। ठीक है ना, 0 नहीं है, वो 3 है, बीसी के इक्वल है, ये बात आपने 9th क्लास में ली होगी। सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3, यानी कि आप देखिए थॉट प्रोसेस कैसे बनाएंगे कि अगर इन्होंने वर्ड सेंट्रोइड दिया हुआ है इसका मतलब है कि सेंट्रोइड से हमें कुछ निकालना है, यानी कि हमारा हो जाएगा a + b + c / 2 = 3 = 0, यानी कि a + b + c की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। फिर आपने 9th क्लास में ये फॉर्मूला चैप्टर 2 में पढ़ लिया होगा पॉलिनोमियल में कि अगर a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू 3abc के इक्वल होती है। तो अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा, इसी तरीके के क्वेश्चन की उम्मीद मैं कर रहा हूँ बोर्ड में, और उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, आएगी ही आएगी, तो इसी टाइप के क्वेश्चन करें जिनमें लॉजिक थोड़ा सा हो, आंसर छोटा हो। तो मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क के क्वेश्चन का मतलब इजी नहीं, इसका मतलब है लॉजिकल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक पॉइंट एक्स एक्सिस है और वो इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे। ये क्वेश्चन 99% अक्सर आता है क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस है तो इसके कोऑर्डिनेट x,0 मान सकते हैं, इसको आप P मान लो, इसे आप A मान लो, इसे आप B मान लो, और PA को PB के इक्वल कर दो, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। और आपका आंसर देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर ले, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो केवल आपका यहां पर 2 चॉइस बच जाती है, बी और सी। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले, आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाता हूं कि अगर 2 पॉइंट है इस तरीके के, यानी कि मेरा मतलब है कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री डाला जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है, इतनी चीजें आती होंगी, देख के क्वेश्चन को ना डरे, ये क्वेश्चन आप छोटा सा सॉल्व करोगे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है पी और क्यू के बीच की, ठीक है ना। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों जगह कट जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन रख देंगे। देखिए ध्यान रखना है कि अभी ये मैंने पिछली वीडियो बेसिक्स के लिए दी थी, ये वीडियो मैंने आपको दी है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के लिए, अगली जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो है मार्क के क्वेश्चन, देखें जरा यहाँ पर 10 क्वेश्चन रखे, अगली जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो है हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, और उससे जो अगली वीडियो होगी वो स्लोप पर होगी, जो महाराष्ट्र बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या कुछ स्टेट बोर्ड में वहां पर है स्लोप निकालने के लिए, जब एंगल दिया हुआ हो ये स्लोप निकालने के लिए, जब किसी लाइन के दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो स्लोप निकालने के लिए, जब कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर काटे, यानी कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ताकि आपका 10th क्लास का किसी भी बोर्ड के लिए 100% पैटर्न हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, डाउनलोड कर लें, फाइल को चलाते रहें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जितने क्वेश्चन मैं हर चैप्टर में लेके आऊंगा करीब जो है आप ये देख लें कि करीब 30 या 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से होंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा या इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, डरे बिल्कुल भी नहीं और मेहनत करते रहें, टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल भी मैंने बनाना आपको बताया है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।